दो वैरायटी के हमारे पास हेयर ऑयल है जिसका मैं आज अनबॉक्स करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राइसिंग की बात करेंगे क्योंकि इसकी एमआरपी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, एक में मैंने कॉम्बो में मंगाया था क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा था। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। तो ब्रांड का नाम बता देता हूं, तो पैरासूट का है। पैरासूट का नाम मैं भी आपने सुना हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा ब्रांड है ऑयल के मामले में, क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रांड है। आई थिंक जैसे मैं मतलब छोटे पर से देख रहा हूँ, पैरासूट का जो कोकोनट आता है वही मतलब उसी के नाम से पैरासूट को हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका कोकोनट बहुत अच्छा आता था। कोकोनट ऑयल, सॉरी कोकोनट नहीं, कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे ये जो है पहला है एलोवेरा इन रिच कोकोनट हेयर ऑयल, ठीक है, जो कि आपके बालों के लिए काफी अच्छा हो सकता है अगर आप ये दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एमआरपी आपको 170, हाँ ये 170 लिखा हुआ है कि 170 आपको पे करना पड़ेगा अगर ये दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बो पैक थे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉम्बो पैक था 170 का, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि ये 200 ml था, आई थिंक 200 या 250, हाँ ये 250 ml है और ये 75 ml है। अगर हम दोनों का काउंटिंग करते हैं तो 325 ग्राम आपको मिलेगा ये सिर्फ 170 रुपए का। ठीक है, और उसके साथ मुझे मिला है ये हेयर अनियन ऑयल। ठीक है, तो जो अनियन ऑयल है ये काफी महंगा है अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करते हैं, या फिर मेन इस समय जो आप मार्केट में देख रहे होंगे कि मामा अर्थ ज्यादा चल रहा है, तो मामा अर्थ के जो भी ऑयल आते हैं यहाँ पे, तो 150 ml के जो भी ऑयल होंगे वो 350 से 400 के बीच में आपको रेंज में देखने को मिलेंगे। तो उसके प्रोडक्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल होते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट ज्यादा ही आयुर्वेदिक को मतलब प्रिफर करते हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट आजकल ज्यादा मार्केट में उठ रहे हैं और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोकल शॉप वाले भी रखते हैं, मतलब रख रहे हैं। जैसे कि आपने मे बी पतंजलि का स्टोर या फिर पतंजलि के प्रोडक्ट देखा होगा कि आज से 3 से 4 साल पहले कितना ज्यादा उठ रहे थे, तो जिसके चलते कि नॉर्मल शॉपकीपर को बिना मार्जिन के भी प्रोडक्ट रखना पड़ रहा था क्योंकि उनके कस्टमर वापस जा रहे थे। ठीक है, तो पतंजलि ने अपने स्टोर कई जगह पे मतलब खोल रखे हैं कि आप वहां पे जाके पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और वहां पे आपको कुछ 5% का शायद डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर कुछ 1000-1200 की शॉपिंग करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको रेट टू रेट मतलब एमआरपी पे ही मिलेगा। वही हाल है मामा अर्थ का, अगर आप कुछ नॉर्मल शॉप से खरीदते हैं प्रोडक्ट तो आपको सेम एमआरपी पर प्रोडक्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर आप वही ऑनलाइन प्रोडक्ट बाई करेंगे जिसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो गया, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट वाली तो अलग बात हो गई। तो फिलहाल हम ये पैरासूट की बात करते हैं, तो ये पैरासूट का जो ऑयल है ये है अनियन ऑयल और इसके एमआरपी की बात करते हैं तो है 399। ठीक है, 399 एमआरपी वाला पैरासूट ऑयल मुझे कॉम्बो में तीनों को पे करना पड़ा है 163 रुपीज, जबकि 170 का तो केवल दो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद 399 का इसकी एमआरपी अलग है, तो एमआरपी पे तो नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। अगर नॉर्मल प्राइस की बात करें तो 350 के बीच में ये जो कॉम्बो वाला ऑफर है मतलब ये कॉम्बो पैकेज आपको अमेजोन पे भी नॉर्मल रेट इसका 300-350 के बीच में आपको दिख जाएगा जब भी आप बाई करने जाएंगे या फिर सर्च करेंगे प्रोडक्ट को। तो अगर आप अलग अलग देखेंगे तो अच्छी खासी हाई प्राइस है इसकी दोनों की। तो फिर हम अलग की बात नहीं करते, कॉम्बो की बात करते हैं। 163 मैंने पे किया है और इसकी जो ओरिजिनल एमआरपी है वो कुछ 450 के आसपास जाएगी, 570 ओरिजिनल एमआरपी की बात करते हैं। तो वैसे कि आपको इसकी जो एमआरपी है 399 कॉम्बो की मिलेगी देखने को, जिसमें 300 से 350 के बीच में आपको पे करना और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो रेटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा इनकी, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट अभी तक यूज नहीं किया है कभी भी या फर्स्ट टाइम है मेरा, तो इसकी रेटिंग के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है या फिर इसकी जो ऑनलाइन रेटिंग है उसकी बात करें तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोगों ने
प्रिफर किया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके हेयर के लिए काफी अच्छे हैं या फायदेमंद है। ठीक है, तो आइए हम इसकी स्मेल की बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला छोटा वाला ट्राई करते हैं, एलोवेरा वाला। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। स्मेल की बात करें तो यहाँ पे कोकोनट की मात्रा ज्यादा है और एलोवेरा की जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, तो इसकी वजह से इसमें से जो स्मेल आ रही है वो कोकोनट की आ रही है। हाँ, तो इसमें कोकोनट का काफी ज्यादा मतलब आ रहा है और एलोवेरा बहुत ही हल्का है तो पता ही नहीं चल रहा है स्मेल के मामले में। तो चलिए इसको फिलहाल मैं लगा लेता हूं अपने बालों में और हाथों में भी रगड़ लेता हूं जिससे इसका वो खत्म हो जाए, एकदम जो हाथों में लगा था ऑयल एकदम खत्म हो जाए। अच्छा, मैं फेस पे प्रेफर नहीं करता हूं लगाना, वो तो खत्म हो गया इसलिए एक बार हाथ मतलब ऐसे फेर लिया है। बाकी मैं हेयर ऑयल भी बहुत कम ही यूज करता हूं, अगर यूज करता हूँ तो नवरत्ना का यूज करता हूँ, गोल्ड वाला जो गर्मी में यूज किया जाता है। मैं प्रेफर करता हूँ मतलब जाड़े में कोई भी मिल जाए, डायमंड का सॉरी एलमंड का मिल जाए तो ज्यादा सही है क्योंकि जाड़े में मतलब गर्म ऑयल चाहिए होता है, या फिर आप नॉर्मल कड़वा तेल लगा सकते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में नवरत्न में लगाता हूँ और जाड़े में हमेशा एलमंड का लगाता हूँ, वो भी बजाज का, और नवरत्ना तो नवरत्ना का ही है, पता नहीं किसका है। ठीक है, आई थिंक वो भी डाबर का ही होगा। अब बात करते हैं अनियन का, तो अनियन को हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये तो निकल ही नहीं रहा है तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो अनियन वाला है जो पूरी तरह से जम गया है क्योंकि अभी सर्दियां आ गई हैं तो इसलिए पूरी तरह से जम गया है, तो इसको हम थोड़ा इसे हाथ निकालते हैं। ये देखे मैंने लिया है, इसकी स्मेल की बात करें तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा किस चीज की स्मेल आ रही है। कोकोनट की काफी हल्की आ रही है, मतलब है ये लेकिन बहुत कम है। आई थिंक अनियन की होगी, लेकिन उसमें जो अनियन मतलब खाते हैं तो उसमें देखिए अलग सा टेस्ट आता है, या फिर उसकी जो झार आती है वो अलग सी होती है, तो ये स्मेल लेस कह सकते हैं इसको, बहुत हल्की स्मेल आ रही है। कुछ बता नहीं पाएंगे कैसी स्मेल है इसकी, लेकिन बाकी ऑयल की बात करें तो ऑयल ट्रांसपेरेंट है एकदम, वो तो कोकोनट मिक्स है इसलिए वो पूरा हार्ड हो गया है मतलब जम गया है, बट हाथ में रगड़ते ही सही हो गया, कह सकते हैं अभी अच्छा है, वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है। अगर आपको भी 200 के अंदर मिल रहा है ये कॉम्बो पैक तो अच्छा है, अगर आप इसके लिए 300-350 खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक दूसरे से मतलब राय लेनी चाहिए जिन्होंने इसका प्रोडक्ट यूज किया है, क्योंकि 300 रुपये ज्यादा हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 200 ml ये है, हाँ 200 ml ये है, 250 ये है, तो 2, 2, 4, 4.5 और 75, 525 डेढ़ लीटर के लिए मतलब सॉरी आधा लीटर के लिए या 525 ml के लिए अगर आप 200 रुपये तक लगाते हैं तो सही रहता है, कोई भी आप ऑयल ले लीजिए। और अगर 200 रुपये के ऊपर ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो 200 के ऊपर अगर आप ज्यादा पे करते हैं मतलब या 200 से ज्यादा पे करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ओपिनियन लोगों की ले लीजिए या फिर ऑनलाइन रिव्यू देख लीजिए कि वो कैसे हैं, अगर पॉजिटिव है तब भी आप पैसे खर्च करिए, अदरवाइज आप इतना पैसा ना लगाएं, क्योंकि और भी फ्लेवर के आते हैं। जैसे हम एलमंड की बात करते हैं कि एलमंड ऑयल आता है, अगर सेम आप मामा अर्थ का लेते हैं तो आपको पड़ेगा कुछ 350 के और 150 ml, और अगर आप किसी और ब्रांड का लेते हैं तो आपको 200 रुपये के आसपास बजाज का आता है एलमंड का ऑयल, तो बजाज एलमंड आपको देता है कुछ 200 रुपये में आधा लीटर, तो वो काफी अच्छा होता है, और जबकि बजाज काफी सालों से चला आ रहा है और ये मामा अर्थ अभी जल्दी आया है, बट नेचुरल होता है, क्या नेचुरल होता है मुझे नहीं पता। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ, फिलहाल ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, अगर मैंने 163 रुपीज इसके लिए पे किया है तो काफी ज्यादा वर्थ इट है।
अगर आप 200 रुपए तक लगाते हैं तभी सही है, लेकिन अगर आप 300-350 रुपए लगाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट फिर भी एक तरह से सही है अगर हम दूसरे अदर जो महंगे प्रोडक्ट आते हैं उनसे कंपेयर करें तो, क्योंकि पैरासूट आप जानते हैं अच्छी ब्रांड है और काफी ज्यादा पुरानी है, ट्रस्टेड है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ।